हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में काफ़ी सारे अजम्पशंस किए गए थे गैसेस के ऊपर। सो क्या थे वो? गैसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन, यानी कि जो गैसेस होती है इनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, डायरेक्शन रैंडम होती है, एंड दे कंटिन्यू इन स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विद समथिंग एंड यूजली ईच अदर और द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो यूजली जो ये गैसेस के जो हमारे वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, एक लीनियर पाथ होता है इनका, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन जब तक ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे से तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर भी ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। उसके बाद ये कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, या फिर वॉल के साथ, ठीक है, वॉल ऑफ द कंटेनर। दूसरा है इसका अजम्पशन ये था कि पार्टिकल्स आर पॉइंट मासेस विद नो वॉल्यूम, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के पॉइंट मासेस, यानी बहुत कम मास होता है और वॉल्यूम ना के बराबर। द पार्टिकल आर सो स्मॉल कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो उनके बीच में स्पेस होता है उसके कंपेयर में काफ़ी छोटे होते हैं पार्टिकल्स गैसेस के। सो वी डू नॉट कंसिडर देयर साइज इन आइडियल गैसेस, सो इसलिए इनकी जो साइज है उनको कंसिडर ही नहीं करते, इसलिए मेज़र भी नहीं करते, ठीक है। फिर तीसरा इसका अजम्पशन ये था, लेट मी रिमूव दिस, या तीसरा इसका अजम्पशन ये था कि नो मॉलिकुलर फोर्सेस आर एट वर्क, यानी कि इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे मूव फ्रीली एंड दिस मींस देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस पार्टिकल के बीच में ना तो रिपल्शन होता ना ही अट्रैक्शन होता, कोई तरह का फोर्स नहीं होता इनके बीच में। गैस प्रेशर इज ड्यू टू द मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जो गैस प्रेशर होता है वो यूजली होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं वॉल्स के साथ, जिसकी वजह से वो जो फोर्स प्रेशर होता है वो एग्जर्ट होता है, एंड ऑल दीज कोलाइजंस आर परफेक्टली इलास्टिक, मीनिंग देर इज अ नो चेंज इन एनर्जी ऑफ देयर पार्टिकल और द वॉल अपॉन द कोलिजन, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है यहाँ कि जब जैस क्योंकि इलास्टिक है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है जितनी स्पीड से वो टकरा के वापस जाएंगे उसी स्पीड से वो वापस आएंगे, यानी कि नेट स्पीड हो जाएगी, जो नेट एनर्जी होगी वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए नो एनर्जी इज़ लॉस्ट और गेन फ्रॉम द कॉलिजन, यानी कि कोई एनर्जी ना तो लॉस होगी ना ही गेन होगी इस दौरान, क्योंकि जो एनर्जी होगी जैसे कि हम होता है ना इलास्टिक में या फिर स्प्रिंग में क्या होता है, हमारा नेट फोर्स, नेट जो एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है? जीरो, क्योंकि जितनी फोर्स से हम उसे खींचेंगे उसी उतनी फोर्स से वो वापस जाएगा, तो जो नेट फोर्स हो जाता है वो जीरो, तो नेट एनर्जी वो भी हो जाएगी जीरो। द टाइम इट टेक्स टू कोलाइड इज नेग्लिजिबल कंपेयर विद द टाइम बिटवीन कोलिजन, जो टाइम होता है कोलिजन के बीच में वो नेग्लिजिबल होता है क्योंकि बहुत स्पीड में कोलिजन होते रहते हैं और पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, इसलिए जो टाइम होता है वो नेग्लिजिबल होता है ना के बराबर, यानी कि नैनो सेकेंड्स में कह सकते हैं आप। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसेस इज मेजर ऑफ इट्स केल्विन टेम्परेचर, तो काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की उसे केल्विन टेम्परेचर में मेजर किया जाता था। सो जो इंडिविजुअल गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी डिफरेंट स्पीड्स होती है, लेकिन जो टेम्परेचर और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मेजर की जाती है एवरेज में, ठीक है, एवरेज ऑफ दीज स्पीड्स में। सो अब आता है हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा यानी कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज मूवमेंट्स ऑफ द गैस पार्टिकल्स विल बी मोर, तो ज़्यादा हीट पे ज़्यादा स्पीड्स बढ़ जाएगी और ज़्यादा जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ज़्यादा मूव करेंगे। जो इसका लास्ट पॉइंट था गाइस, जो लास्ट अजम्पशन था काइनेटिक थ्योरी में वो क्या था,
All the gases at given temperature have the same average kinetic energy. ठीक है, तो यानी कि अगर जो अगर कोई गिवन टेम्परेचर पे यूजली जो काइनेटिक एनर्जी होती थी एवरेज वो सेम रहती थी, एंड द लाइटर गैस मॉलिक्यूल मूव फास्टर देन द हैवियर मॉलिक्यूल्स, तो इट इज़ ऑब्वियस कि लाइटर जो गैस मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा फास्टर मूव करेगा एज कम्पेयर टू हैवियर मॉलिक्यूल. तो दीज आर द असम्पशन मेड बाय द काइनेटिक थ्योरी, एंड आई होप यू अंडरस्टूड. अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय.